हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज टेक सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फिक्स साउंड इशू। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में साउंड का इशू आ रहा है तो कैसे उसको फिक्स करना है, इसके ऊपर ये वीडियो है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा कि कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने साउंड के इशू को। सबसे पहले आपने जाना है साउंड आइकन पे। यहाँ पे देख सकते हैं साउंड का आइकन आ रहा है। अगर आपका आइकन नहीं आ रहा, इनकेस वो हाइड हो रखा है इस तरह से, तो आपने अप एरो पे क्लिक करना है और ये जो साउंड का आइकन है इसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप साउंड पे आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके सिस्टम में साउंड आ रहा है तो डैट मीन्स कि आपका जो ड्राइवर का कोई भी इशू नहीं है। इनकेस आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि जूम मीटिंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिन पे आपको साउंड चाहिए होता है, अगर उस एप्लीकेशन पे साउंड नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि उस एप्लीकेशन की सेटिंग में कुछ इशू है। आपके लैपटॉप के साउंड इशू में कोई इशू नहीं है। तो आपने पहले ये चेक करना है कि यहाँ पे अगर आपका साउंड आ रहा है, दैट मीन्स कि लैपटॉप के साउंड ड्राइवर में कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, और इनकेस यहाँ साउंड नहीं आ रहा और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ स्पीकर लिखा हुआ है, स्पीकर हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर, तो ऐसी अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसके ऊपर भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपने दोनों को एक एक करके चेक करना है, एक एक करके सेलेक्ट करना है और फिर साउंड चेक करना है। जिस पे साउंड आ रहा है वही आपने सेलेक्ट कर लेना है और वही अपने एप्लीकेशन में भी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप जूम मीटिंग या स्काइप वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये पहला जो बेसिक मेथड आपने यही चेक करना है कि आपके यहाँ पे साउंड आना चाहिए। अगर यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि कुछ ड्राइवर का इशू है, तो हम उसको ट्रबल शूट करते हैं। अब तो सबसे पहले आपने जाना है सर्च बार पे। यहाँ पे आपने लिखना है ट्रबल शूट सेटिंग्स, क्लिक कर देंगे ट्रबल शूट सेटिंग्स पे। उसके बाद आप जाएंगे एडिशनल ट्रबल शूटर्स पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे प्लेइंग ऑडियो पे, उसके बाद आप रन कर देंगे द रन ट्रबल शूटर। अब ये ऑटोमेटिकली आपके इशू को डिटेक्ट करके उसको सॉल्व कर देगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ट्रबल शूटर को। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है, उसमें आपको अपने सिस्टम की सर्विसेज को ओपन करना है और उसमें जो ऑडियो सर्विसेज है उनको चेक करना है कि वो स्टार्ट मोड पे है कि नहीं। तो आपने जाना है सर्च बार पे, यहाँ पे लिखना है सर्विसेज, उसके बाद आप सर्च करेंगे विंडोज ऑडियो सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं ये रहा विंडोज ऑडियो, इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, स्टार्टअप टाइप जो ऑटोमेटिक होना चाहिए, अगर ये ऑलरेडी रनिंग मोड पे है तो आपने इसको पहले स्टॉप करना है, फिर वापस स्टार्ट कर देना है, फिर ओके कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो है विंडोज ऑडियो एंड पॉइंट बिल्डर, इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, मेक श्योर जो स्टार्टअप टाइप है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, अगर ये ऑलरेडी रनिंग मोड पे है तो पहले इसको स्टॉप कर देना है एक बार और उसको वापस स्टार्ट कर देना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर देना। ठीक है, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता तो आपको जाना है डिवाइस मैनेजर पे, सर्च बार पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइस मैनेजर, क्लिक करेंगे इस पर, आपको जाना है साउंड पे। ठीक है, यहाँ पे दो ड्राइवर शो कर रहा है आपको, आपको इन दोनों को अपडेट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च ऑटोमेटिकली करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सर्च कर देगा। मेरे केस में ऑलरेडी मेरे बेस्ट ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हो रखा है। अगर आपको कोई एरर आता है इसमें तो उस केस में आपको मैन्युअली इसको ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपने इसको क्लोज करना है, राइट क्लिक करना है इस पर, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है वापस, और आपकी बार आपने चूज करना है ब्राउज कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। उसके बाद आपने चूज करना है लेट मी पिक फ्रॉम द लिस्ट, और यहाँ पे जो ड्राइवर आपको देखेगा, मेक श्योर जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये टिक होना चाहिए, शो कंपेटेबल हार्डवेयर, और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है, और ये आपका जो ऑडियो ड्राइवर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, विंडोज है सक्सेसफुली अपडेट योर ड्राइवर्स, क्लोज कर देना है। रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है, आपने रीस्टार्ट कर देना है, मैं अभी रीस्टार्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ आपने इंटेल डिस्प्ले ऑडियो पे भी कर देना है, राइट क्लिक करना है, पहले अपडेट करना है, पहले ऑटोमेटिक अपडेट पे टिक करना है। अगर ऑटोमेटिक अपडेट पे कोई एरर आता है आपको तो आपने इसको क्लोज करना है, फिर आपने इसको फिर से आपने जाना है अपडेट ड्राइवर्स पे, ब्राउज माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने जाना है लेट मी पिक फ्रॉम द लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपका इंटेल डिस्प्ले ऑडियो है उसको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देंगे। एक मेथड और है, अगर इसके बाद भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता है तो आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और जो ड्राइवर है उसको अनइंस्टॉल कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे जो आपका ड्राइवर अनइंस्टॉल हो जाएगा। दोनों को अनइंस्टॉल करके इस पे भी जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल डिवाइस पे क्लिक कर देंगे और अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करते ही आपने अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। जैसे ही वो रीस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑडियो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल कर देगा वापस फिर से। तो ये भी मेथड आपने ट्राई करके देखना है, अनइंस्टॉल वाला। जैसे आप अनइंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे वो रीस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑडियो ड्राइवर को वो वापस इंस्टॉल कर देगा और आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे। आपने जाना है साउंड आइकन पे, इस पे राइट क्लिक करना है, साउंड्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने जाना है फर्स्ट वाले टैब पे, प्लेबैक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका जो साउंड का ड्राइवर वो शो कर देगा, इसको आप राइट क्लिक करके टेस्ट भी कर सकते हैं तो आपको साउंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है इसको ताकि इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाए। तो आपने इस पे जाना है थर्ड वाले टैब पे, इन्हेंसमेंट पे, और नीचे ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर डिफॉल्ट्स, इस पे क्लिक कर देंगे ताकि आपकी जो सेटिंग सारी रीस्टोर हो जाए। एडवांस पे जाना है, नीचे क्लिक कर देना है रीस्टोर डिफॉल्ट्स पे। लास्ट वाले टैब पे जाना है, रीस्टोर डिफॉल्ट्स पे क्लिक कर देना है ताकि सारी सेटिंग डिफॉल्ट मोड पे आ जाए। अप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर आपने जाना है लेवल्स पे और मेक श्योर कि जो लेवल है ये 100% पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। और अगर आपको अपना ड्राइवर इंटरनेट से डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे और जैसे कि अगर आप डेल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपने लिखना है यहाँ पे डेल ड्राइवर डाउनलोड। ये डेल की ऑफिशियल वेबसाइट है फर्स्ट वाली, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपने डेल के लैपटॉप का सर्विस नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर, और सर्च पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे ड्राइवर शो कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑडियो ड्राइवर डाउनलोड कर लेना। और अगर आप HP का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ लिखना है HP ड्राइवर डाउनलोड। ये रहा आपका फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है HP की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपने जाना है, लैपटॉप को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है और ये आपके सारे ड्राइवर शो कर देगा। और उसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना जो ऑडियो ड्राइवर वो डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विंडोज टेक।